अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, वेलकम बैक टू माय टूटा फूटा व्लॉग। सो गाइस, मैं आपको पहले बता दूंगी, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। तो आज हमारे यहाँ एक फेस्टिवल है, यहाँ पर एक बहुत बड़े क्वाल आने वाले हैं, तो आज उनसे मीटिंग करते हैं, क्या सीन होगा। फिलहाल तो मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ। आज मुझे घर से ना लानते भी पड़ चुकी हैं, तो उनका कहना है कि ज़्यादा देर बाहर नहीं रहना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ईद के दिनों पे भी मैं ना ऑलमोस्ट तकरीबन 11 से 12 एक यही टाइम में रहा, और नींद भी नहीं पूरी हुई। और ईद का तीसरा दिन हमारा स्टार्ट होने लगा है रात 8 बजे, तो फिर वक्त मैं जा रहा हूँ उधर फेस्टिवल की तरफ। पर नहीं, पहले मैं जाऊँगा हैदर की तरफ, तो हैदर के पास जाके आप देखते हैं क्या करते हैं। लो जी गाइस, हैदर के पास जाने से पहले हमें मिले हैं चंद अदद हमारे दोस्त, छोटे छोटे दोस्त। मैं आपको बता दूं कि मेरे ज़्यादातर फैन फॉलोइंग में ज़्यादा बच्चे हैं। अक्सर मुझे कहते हैं आप ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रहे, क्योंकि मैं अंदर ही 10 दिन के अंदर मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया। तो इनसे मिलें, ये हैं अस्सलाम वालेकुम लराब शाह, और ये हैं आदिशा। तो गाइस, अभी आते आते ना मैं ऊपर, मेरा ध्यान था कैमरे की तरफ, तो नीचे से ना मैं कुत्ते को ऊपर चढ़ गया था, तो बाय गाड़ी में बचाऊँ, सही बात है। और ये देखें, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कहते हैं वो व्लॉग बना रहा है, वो स्टार आ रहा है। यार, हमने यकीन नहीं करना मेरी फीलिंग क्या होगी, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी ना, हट कल दो। और ये हंसते हैं आगे से, हैं इनके हाल देखो। तो फिर वक्त अब मैं इधर की तरफ ही जाऊँगा, और मेरा ध्यान आप कैमरे रास्ते में और भी कुत्ता और नीचे ज़्यादा होगा। ओके जी, रास्ते में। तो जनाब, ये है वो कुत्ती जिसके ऊपर हमारा पैर आ गया, और हम ऐसे भाग गए जैसे कुत्ती के ऊपर दुम पड़ती है। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने करना क्या, मैं भाग गया वहाँ से, और बच्चे मुझे देख के ऐसे घर के रह गए। जनाब, हम मैं धक्के घर के पास आ गए हैं, तो वजी अंदर जा रहा है, दरवाज़ा नॉक करो वजी। दरवाज़ा वजी ने नॉक कर दिया है, तो अंदर इधर को उससे बुलाने लगा। आप देखते हैं इधर आ गया मैं, कौन सी दिमाग मेरी नहीं से नहीं सुनाता। आए शापरे, शापर बाहर नहीं यार, पानी ना डोलनी तेरी मेहरबानी, पानी और सुना यार। मैं आपको कहानी सुनाने आया हूँ, मैंने बच्चों को भी सुनाई है, मैंने कुत्ते के ऊपर पैर रख दिया, कुत्ता मुझे मैंने भाग गया, हार्ट बीट मेरी इतनी तेज हो गई, मैं बच्चों को जाके ऐसे आ ना जुफियाँ लगाने लगा पड़ा, मुझे समझ ही नहीं थी यार करना क्या है। तो आप मुझे यार थोड़ा हौसला दो, मैं आपके पास हौसला देने आया हूँ। मैंने जो देना हौसले से लेना, फिर आप मैं कहूँगा हौसला दो आप, मैंने जो देना वो हौसले से लेना आप मुझे हौसला दो, कुछ और रहने दो, आपकी मेहरबानी, आपने यकीन नहीं करना। पानी मैंने पिया, बहुत बहुत शुक्रिया यार, बड़ा मीठा पानी सी, स्वादी वाला, कितू ले आया जी, आए आए कि दफा फिर जप्पी हो गई। चलो मैं सही गल, यकीन नहीं करना है ना, कोई डर गया सोना छापर अंदर जा रहा है छपरे मारे चीना मीना साहब है यार, की बदतमीजी है। और चलिए अमदा साहब, क्या सीन है आज का, है कोई है बंद बोतल है, कोई बंद बोतल है, बंद बोतल है, मेरी दोस्ती कर रहे हैं, अपना चैनल है प्राइवेट है मेरा, अपना चैनल है वेरीफाई हो गया। तो देखें, यहाँ पर तो तमाशबीनी का फुल वाजा मारा जा रहा है। अब निकलेगा अंदर से एक कच्चू भाई, वो निकला कच्चू आए, फिर अंदर आ गया कच्चू, अंदर लेके चला गया अंदर। अब ये हमारे हम शेर साहब, हम इनके थोड़ा सा टो रहे हैं, टो चैन ला रहे हैं इनको, ये भी पूरा पंगड़ा पा रहे हैं, ये तो पागल हो गए सारे, कोई सीन ही नहीं है। तो ये देख लें, अभी यहाँ आ जाएगा एक और हमारा दोस्त फरी, ये हमारे चिचक साहब ने उठा दी उनकी कमीज़, और ये हो गया पागल, और अब आ गया इधर, इधर भी हुआ हुआ पागल, फुट तो माल दे रहा है, हैं ये पागल हो गया। मैंने इधर को कहा ये ले लो ले लो ले लो सारा ले लो, इधर कहता है ठीक है, इधर भी पागल हुआ यहाँ पर। तो ये हमने फिर इधर की उठा दी, इधर पागल हुआ,
मैं भी आज पूरे फन में था, ये फिर इधर की उठा यहाँ पर तो हमें कुछ ज़्यादा ही फन आ गया, क्योंकि यहाँ दरबार पर आ गए हैं तो ये देखें यहाँ ये तो कुछ ज़्यादा ही भंगड़ा डाल रहे हैं, पूरे मस्त माहौल हो गए। चाचे का डांस देख लें, देख सकते हैं आप, चाचा तो पूरा ही मस्त माहौल है हैं। तो ये अपने सीन में हर कोई अपना फन क्रिएट कर रहा है हर जगह। यहाँ पर इधर पागल हो गया लंगर के लिए, इधर की सोच है कि लंगर को ना नहीं करना चाहिए, फिर सही लंगर पारता बैठ के सही वाला। और भाई राय तो हमने देखा कि यहाँ पर मुसली बलादरी ना पुए हुई या लड़ाई में फुल मज़ा कर रही है, तो हम भी यहाँ बैठ कर उनकी लड़ाई देखने ला पे। हैदर इतना हबीस है कि उधर लड़ाई हो रही है तो उनको छुड़ाने के बहाने उन्हें मार रहा है। मैंने कहा यार जनाब वहाँ लड़ाई हो रही थी तो इधर बड़े मस्त मोल ना, उनको छुड़ाने के बहाने वो जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू किया, इधर उन्होंने छुड़ाता छुड़ाता नीचे से उन्हें ठुडे मार रहा था ठक ठक। तो हैदर भी ना बोले दिन होगा ना, वो कहते हैं जो एंटिक पीस होता है वो वाला पीस है। तो फिर वक्त ना हम फिर आज लेट हो गया तो घर से फ़ोन आया, अच्छी वाली टका के बेच दीजिए, तो कहते हैं ना वो ही है। तो अब ना मेरा दिल है कुवाल शवाल को छोड़ें, हमने कुवाली का चार पाना, मुझे तो इंटरेस्ट भी नहीं है। तो कुवाली में तो हमें इंटरेस्ट वगैरह कोई नहीं है, तो मैं और चिचक घर वापस आ गए हैं। किट भी अच्छी लगी है, तो कवाल जो मैंने कहा था आपको दिखाऊंगा वो अब मैं नहीं आपको दिखा सकता। तो वैसे उन्होंने बताया कि आलो फ्रोज चंबा आएगा चंबा। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड, तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यार अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मिलेगा हमें सपोर्ट और हम बनाएंगे मजीद ब्लॉग। क्योंकि अगर अगर पे बैक ना मिले तो इंसान का दिल टूट जाता है, उसे समझ नहीं आती करना क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।